महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के महाकाल परिसर में स्थित अनादि कल्पेश्वर महादेव 84 महादेवों में पांचवें नंबर पर आते हैं। पुराने कथाओं के अनुसार पूर्व काल में कोई सृष्टि नहीं थी, इस लिंग से सारा चर अचर संसार उत्पन्न होता है और इसी में लीन हो जाता है। इस लिंग के क्षोभ से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उसी में ब्रह्म रूप से यह सृष्टि की उत्पत्ति करता है, विष्णु रूप से रक्षा करता है और रुद्र रूप से संहार करता है। यह प्रत्येक कल्प में अनादि है, इसलिए देवता पितर और सिद्ध इसे अनादि कल्पेश्वर कहते हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें से कौन बड़ा है। तब आकाशवाणी हुई कि महाकाल वन में कल्पेश्वर नाम का एक लिंग है, उसका आदि या अंत जो भी जान लेगा वह बड़ा होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर तथा विष्णु जी नीचे की ओर उस लिंग का आदि और अंत देखने चले गए। उन्हें उस लिंग का आदि अथवा अंत नहीं दिखा, इसलिए यह लिंग अनादि कल्पेश्वर कहलाया। सब तीर्थों में अभिषेक करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अनादिकेश्वर के दर्शन मात्र से मिलता है। इसके बाद विष्णु और ब्रह्मा उस लिंग के बाएं व दाएं भाग में क्रम से स्थित हो गए। इस शिवलिंग का दर्शन न करने वाले का जन्म निरर्थक ही जाता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।